को दिखाना होगा कि तुम चॉकलेट ट्रोल के सिवा भी रह सकते हो, इसलिए एक हफ्ते के लिए नो चॉकलेट ट्रोल। चॉकलेट ट्रोल नो चॉकलेट ट्रोल, एक हफ्ते तक तुम्हें चॉकलेट ट्रोल खाना मना है। तो चॉकलेट रोल के बदले केक चला खाओ क्या? मैं भी तुम्हारे साथ दूंगा, एक हफ्ते तक मैं भी केक नहीं खाऊंगा। वैसे भी केक खाने से दांत खराब होते हैं ना। तुम्हारे दांत खराब हो गए? अपने शासक मुझे नहीं बवाया। चॉकलेट रोल खाओ, मस्त हो जाओ। मेरा तो हमेशा चॉकलेट रोल खाने का मन कर रहा है, लेकिन जेब में फिर कौड़ी भी नहीं है। ये पैसा मुसीबत है। ये पैसा लेकिन पैसा कहाँ गया? अपना सपना मनी 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 ऐसा है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली तो सोचा कि तुम दोनों को इसके लिए तोहफा तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इसमें है क्या माला? जरा खुद ही झा देखो। वो ले जाओ इसे हमारे सामने से। देखो देख लोगे तो ये सब खाने का जी करेगा क्या? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। शिशि मानो, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या तुमने इसमें पटाखे छुपा के लाए हो? अरे नहीं, ये एकदम असली है। शिशि मानो, तुम ऐसा करोगे तो शिंजो भी वैसा ही करेगा। ये लोग तो मुझे भुखल वाले। देखो उसके मुंह में कैसे पानी आ रहा है। लगता है अब निंजा टेक्निक से इसके बुक्कर पेट को सेट करना पड़ेगा। चॉकलेट ट्रोल घर बन जा। तेरा घर खाएगा क्या? अरे अभी यहाँ तो चॉकलेट का घर था। इतना बड़ा चॉकलेट का खंभा, इसे तो मैं मजे से खाऊंगा। अरे ये तो टेलीफोन का खंभा है। तो सब उनकी चाल थी, अभी मुझे चखा था। ये लोग मुझे ज्यादा समझते है क्या? जब से मैंने चॉकलेट रोल खाने छोड़ दिए है तब भाई नेता मुझे चॉकलेट रोल ही दिखाई दे रहे हैं। शिशि मानो ने तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर वही चॉकलेट रोल। मुझे चॉकलेट रोल फोन क्यों नहीं है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नफरत। तो हर चीज चॉकलेट रोल जैसी दिख रही है, इसीलिए उसे चॉकलेट रोल से नफरत हो गई है। अरे भाई, आपका प्लान एकदम कामयाब रहा। मुझे नफरत हो गई है। मुझे नफरत है चॉकलेट रोल से। तुमने इतने दिनों से नहीं खाए ना, इसलिए तुम्हें उनसे नफरत हो गई है। मुझे अफसोस है शिशि मानो। शिशि मानो नहीं खाएगा तो हमें ज्यादा मिलेगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे निंजा हो। चलो तो फिर इसी खुशी में आज हम चॉकलेट रोल खाते हैं। ये लो बच्चों चॉकलेट रोल, जी भर के खाओ। सिर्फ एक खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शिशि मानो। अगर एक खाने में कोई हर्ज नहीं है तो मैं सब पूरा खा लू, इससे मेरी नई ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। मजा आ गया। अब से तुम नाचक कर रहे थे शिशि मानो, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम जीत गए, तुमने साबित कर दिया है कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ। नई ट्रेनिंग में
कर दो। क्या नची? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नहीं तो मैं तो बस ऐसे हाथ चलता हूँ। क्या नची? क्या नची, तुम आ गए? आज तुमने देर कर दी। शशि मानो, तुम जरा ऊपर आओगे? क्या बात है क्या नची? वो मैं सिर्फ इसे ही बताऊंगा। क्या काम पड़ गया? अजीब से पेशा लाना भाई। तुम ठीक कह रहे हो। तुम यहाँ क्या कह रही थी? घर आया है? बस अभी आया है। आज वो तुम्हें कुछ बदला पतला नहीं लग रहा है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हथौड़ी, क्या तुम लोगों ने उसके आंखों में आंसू देखे हैं? हाँ? उसके आंखों में आंसू क्यों होंगे? आज वो गार्डन में बैठकर रो रहा था। ऐसा क्या? जानते हो, पैट नाम का डॉगी उस बर्फीली रात में ठंड के मारे मर गया। उसका मालिक उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। उस डॉगी की कहानी सुनकर तुम्हें भी दुख हो रहा है ना? मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। ये कहानी सुन के मेरे भी आंसू निकल आए। और शशि मानो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। शशि मानो, यूनिको आई है, जरा रुकना, मैं अभी आया। लो, जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। यूनिको को पता चला कि हम इस कहानी पर रो रहे थे तो वो क्या सोचेगी? आशु क्या? अंदर आना, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? तुम क्या कर रहे थे केनिची? हम बस यही बातें कर रहे थे। क्या क्या हुआ? हथौड़ी, इसे लगता है कि रो रहा था। हाँ बल्ले भाई, वो सही कह रही है। देखो, उसके गालों पर आंसू के निशान है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है हथौड़ी, तुम सब लोग अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए हो? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारा एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त नहीं हूँ? अब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? केनिची, देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो वो मेरी परेशानी है। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ, इसलिए मुझे बता दो क्यों नहीं तुम्हारी परेशानी क्या है। क्या तुम मुझे अपनी परेशानी दूर करने के लायक नहीं समझते? अगर ऐसा है तो मैं किसी काम का नहीं। हाँ केनिची, अगर कोई बात है तो हमें बता दो, हम तुम्हारे दोस्त है ना? दोस्त होते किस लिए हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? देखो केनिची, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज हमसे बात करो, हमें बताओ तुम्हें क्या दुख है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं केनिची को क्या हो गया। डिंग डिंग डिंग, मुझे भी रोना आ गया। देखो, मैंने तुम्हें बचाया। थैंक यू शशि मानो, हम वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो हम हैं। इस कहानी में भी वो लड़का और डॉगी एक साथ रहते थे और मिलकर हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करते थे। हाँ, हम भी साथ रहेंगे और मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। शशि मानो, मेरे भाई केनिची, अब मैं निंजा तकनीक इस्तेमाल करके सड़क छाप डॉगीज की मदद लेता हूँ। केनिची नाम के लड़के को और शशि मानो नाम के डॉगी को ढूंढना है। जाओ मेरे दोस्तों। अरे लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो वापिस घर चलते हैं। तुम वापस जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? भूल गए कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमें साथ में रहना है? हाँ, पर जो से भूख लगती है तब दोस्ती काम में नहीं आती। तो इतनी जल्दी अपनी दोस्ती भूल गए? नहीं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं घर क्यों नहीं जा सकता। हाँ, मुझे सब पता है। अब तुम घर जाओगे और यूनिको और बाकी सबको बड़ा चढ़ाकर बताओगे कि मैं रो क्यों रहा था, है ना? मुझे क्या करना, मुझे भूख लगी है। तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। तुमने दोस्ती का वादा किया था, तुम्हारे वादे की कोई कीमत है नहीं। है ना, चॉकलेट रोल
है वापस जाकर मम्मी को और बाकी सब लोग बताओगे तो नहीं ना शिशुमानो तुम किसी के भी घोष बन ही नहीं सकते अच्छा तो इसलिए तुम यहाँ हथौड़ी तुम भी कैमची मेरे दोस्त तुम भी कितने बोंद हो मुझे ऐसे जज्बाती लड़के पसंद है जो कहानी पढ़कर रोते हैं इसमें शर्म की क्या बात है तुम्हें पसंद है हाँ मुझे बहुत पसंद है ना हथौड़ी हाँ हाँ मुझे भी ऐसे लड़के पसंद है मुझे अच्छा लगा कि यूनिकॉर्न हथौड़ी ने मेरी फीलिंग्स को समझा है ना शिशुमानो हाँ शिशुमानो के लिए चॉकलेट या ऐसे बाका कुछ नहीं है हाँ जब पेट खाली हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती पर तू पेट का सवाल है मजा तो बात बन जाए चलो अब हम सब घर चलकर एक साथ वो कहानी दोबारा सुनते हैं हाँ,